हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 8 आलोक मैथ की एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन किया था, जिसमें हम लोगों को पता करना था कि किसी नंबर में वो छोटी से छोटी संख्या क्या गुना करें कि वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या किससे भाग दें कि जो भागफल आए वो एक क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, और उसका वर्गमूल भी निकालिए। तो क्या बताया था हमने कि किसी भी संख्या को गुणा या भाग करने की जब बारी आए कि जिससे वर्गमूल प्राप्त हो, तो एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे दी गई संख्याओं को विभाजित करने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, प्रत्येक परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब ए नंबर में क्वेश्चन क्या देके रखा है, 1300। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1300 है इसका पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको आता होगा 1300 का, है ना, इस तरह से ले लेना। पहले 2 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 1300 है तो 6 × 12, 5 × 10, 650 आएगा। फिर 2 से लेना, 2 × 6, 25 × 50। ठीक है, अब तो 2 से भागने लग रहा है, तो किससे भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है, तो 5 से भाग लगा दो, 5 × 8, 5 × 6 = 30, बचा दो 5 × 6 = 25। ठीक है, फिर 5 से 13 × 5 = 65। इसका मतलब अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका एक मतलब जोड़ा लगना चाहिए। क्या इसका जोड़ा लग रहा है, 5 का भी जोड़ा लग रहा है, क्या 13 का जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब ये 13 को हटाएंगे तो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √1300 बराबर, या डायरेक्ट ही लिख देते हैं, अतः 1300 में तेरह से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग श्राप परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा तथा इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होगा बताओ, तो 2 × 5 = 10 होगा। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से आप सारा क्वेश्चन निकालिए, सारा क्वेश्चन का। बी नंबर में क्या देख रखा है आपको, 24000। तो 24000 का पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से हो जाएगा 12000, फिर 2 से लीजिएगा 6000, फिर 2 से लीजिएगा 3000, फिर 2 से लीजिएगा 1500, फिर 2 से लीजिएगा 2 × 7 = 750, फिर 2 से लीजिएगा 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 375। अब फिर इसका निकालिए, 5, 7 × 5 = 12, 3 × 15, 3 से जा रहा है, 3 × 1 = 3, 2 × 6 = 3, 5 = 15, फिर 5 × 3 = 8, 3 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा, 25 × 5 = 125, फिर 5 से 5 = 25। इसका मतलब किससे भाग देना पड़ेगा, देखिए पहले इसका तो जोड़ा मिलाइए, 2 का जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, ये 3 का जोड़ा नहीं मिला। तो 3 का जोड़ा नहीं मिला तो कैसे क्या कीजिएगा, ये 5 का भी जोड़ा मिल गया। अब देखिए, 1 3 और 1 5 बच गया, इसका मतलब क्या क्या हम लोग का बिना जोड़ा वाला हो गया, 3 और 5, इसका मतलब 3 × 5 = 15 से हम लोग अगर इसको भाग दें तो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। सुन मैया, एक सेकेंड, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, लिख देना, आता है 3 × 5 = 15 से भाग देने पर, 24000 को भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा तथा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल ये हम पूरा नहीं लिख रहे, टाइम का वेस्ट हो जाएगा, वर्गमूल क्या आ जाएगा, देखो 2 × 4 × 8, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। समझ में आया? हम सिर्फ फैक्टर करके दे रहे हैं, आप वो लैंग्वेज लिख लीजिएगा।
सी नंबर में क्या होगा क्वेश्चन में दिख रखा 12,288, 12,288। तो इसका भी फैक्टर निकालिए, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 44, 2 × 88। फिर 2 से जाएगा, 2 × 3 = 6, भागने लग रहा 0, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। फिर 2 से 15 × 30, 36 × 72। फिर 2 से लेना, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, है ना। फिर 2 से लीजिएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 8। फिर 2 से 19 × 38, 2 × 4। फिर 2 से आएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12। फिर 2 से लीजिएगा, 48 × 96। फिर 2 से 24 × 48। फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब इसका जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, यहाँ पर इसका 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 भी मिल गया। इसका मतलब बचा क्या गया आपके पास, 3। इसका मतलब किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से। और वर्गमूल कितना आएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, वर्गमूल कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। डी नंबर देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है और इसको स्टेप को याद रखना, ये रटना मत कि कैसे कैसे होगा, सिर्फ स्टेप को याद रखना, करना क्या हम लोग को। 24,200 है, 24,200 तो निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से 12 × 24, 100 × 200। फिर 2 से लेना, 2 × 6 = 12, भागने लग रहा तो 0 देंगे, 50 × 100, समझ में आया। फिर 2 से लेना, 30 × 60, 25 × 50। फिर 2 से लेना, 2 से नहीं जाएगा अभी, 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10, 5 से डायरेक्ट भाग लगाना पड़ेगा। अब 5 से भाग लगाओगे तो 5 × 6 = 30, भागने लग रहा है तो 0 देंगे, 5 × 6 = 25। फिर 5 से 12 × 5 = 60, 5 × 1 = 5। अब ये 11 से भाग लेगा, 11 × 11 होता है 121, इसका मतलब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 5 का जोड़ा मिल गया, 11 का जोड़ा मिल गया, किसका जोड़ा नहीं मिला, इस 2 का जोड़ा नहीं मिला, इसका मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा और उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 11 × 2 = 110, वर्गमूल कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, ई नंबर देखिए, अब ई नंबर में आपको जगह रखा है 23,232, 23,232, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 13 × 26, है ना, 1 × 2 = 12, 16 × 32, समझ में आया। फिर 2 से लेना, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 0, 2 × 8 = 16। फिर 2 से लेना, 2 × 3 = 6, 40 × 80, 2 × 6 = 8। फिर 2 से 17 × 34, 1702, है ना। फिर 2 से जाएगा, 8 × 16, 5 × 10, 2 × 1 = 2। अब देखो, ये 2 से भागने लग रहा है, ना ही 8 + 13 = 14, ना ही 3 से भाग लग रहा है, तो किससे भाग लगाएंगे। अच्छा, इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 है ना, तो 13 ले लिए, ये इसको दोबारा हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 23,232, 2 से लेना, 11 × 22, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, है ना, 16 × 32, ये आएगा। फिर 2 से लेना, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 0, 2 × 8 = 16। फिर 2 से लेना, कितना हो जाएगा, 2 × 4, 2 × 9 = 18, 0, 2 × 6 = 8। फिर 2 से लेना, 14 × 28, 5 × 10, 2 × 4। फिर 2 से 2 × 7 = 14, और आ जाएगा 2 × 4, 2 × 6 = 12। फिर 2 से आ रहा है, 36 × 72, 2 × 3 = 6। अब ये 3 से भाग लग रहा है ना, 3 से भाग लग रहा है, तो कैसे भाग लगाइएगा, 3 × 3 × 6, 3 × 3 = 3। अब ये 3 से नहीं, 11 से भाग लग रहा है डायरेक्ट, 11 × 11 = 121। अब क्या आ जाएगा, इसको जोड़ा मिलाइए, पार्टी बनाइए, 11 का भी पार्टी मिल गया, तो किसका पार्टी नहीं मिला, 3 का। इसका मतलब किससे इसको भाग देना पड़ेगा, 3 से, और वर्गमूल कितना आ जाएगा, 11 × 22 × 44 × 88, 88 से भाग देना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।